हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने विंडोज 11 में हाई डेटा कंजप्शन को रोक सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपका पीसी बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, आपका जो डेटा है वो 5 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे में खत्म हो जाता है, जबकि आप नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं उसके बावजूद भी, तो कैसे आप हाई डेटा कंजप्शन प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब भी हम अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, तो वहां पर हम कोई भी डाउनलोडिंग नहीं करते, इसके बावजूद भी जो हमारा डेटा कंजप्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा होता है कि काफ़ी बार जो हमारी विंडोज़ में बैकग्राउंड एप्स होते हैं और ऑटोमेटिक अपडेट्स होती है विंडोज़, जो हम डिजेबल करते हैं सेटिंग्स से जाते हैं, बट वो परमानेंटली वहाँ से डिजेबल नहीं होती। तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और हमारा जो डाटा है उसको कंज्यूम करते रहते हैं। ये रीज़न होता है कि जो डाटा कंजप्शन होता है। तो चलिए गाइस, इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। बहुत सारी सेटिंग्स है जो आपको करनी होगी। अगर आप ये सेटिंग्स प्रॉपरली अप्लाई कर ले तो अपने पीसी पे, तो डेफिनेटली आपकी जो ये प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिए जैसे कि आपको हर एक स्टेप अच्छी समझ में आ सके, और एज इट इज आपने सेटिंग्स अप्लाई करनी होगी विंडोज 11 पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर वन सेटिंग जो करनी होगी आपने, टर्न ऑन मीटर कनेक्ट। तो सबसे पहले आपने मीटर कनेक्शन को टर्न ऑन कर देना है। इसको टर्न ऑन करने के लिए सिंपली आपने जिस भी वाईफाई कनेक्शन से अपने जो पीसी है उसको कनेक्ट किया हुआ है उस पर क्लिक करेगा, और यहाँ पर ये इस आइकन पे क्लिक करेगा। आप सेटिंग्स से भी आ सकते हो इस पर डायरेक्टली। आप सेटिंग में आएंगे और नेटवर्क इंटरनेट में आएंगे, यहाँ पर मीटर कनेक्शन से आप इसको इनेबल कर देंगे। अगर आपने इथरनेट से कनेक्ट किया हुआ तो यहाँ से आप इथरनेट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर उसके लिए भी आप जो मीटर कनेक्शन से वो यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो इथरनेट के लिए भी यहाँ पर ये जो मीटर कनेक्शन से वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो इथरनेट में तो नॉर्मली ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड डेटा होता है। ये जब होता है जब हम वाईफाई के थ्रू अपना जो इंटरनेट कनेक्शन से मोबाइल्स के थ्रू करते हैं। तो दूसरी सेटिंग जो आपने करनी होगी, जो विंडोज़ अपडेट है उसको आपने स्टॉप करना होगा। पहले तो हम सेटिंग से कर लेते हैं, जाकर सेटिंग में आएगा और यहाँ पर विंडोज अपडेट में आएगा। विंडोज अपडेट में आने के बाद यहाँ पर आपने जो ये इनेबल हुई है, गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज दे आर अवेलेबल, तो यहाँ पर ये वाला पहले ऑप्शन को आपने टर्न ऑफ कर देना है, और यहाँ पर पॉज अपडेट पे आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेंगे 5 वीक। ठीक है, उसके बाद आपने इस विंडोज अपडेट को परमानेंटली बंद करना होगा, क्योंकि तब भी हो जाती है यहाँ से अगर हम बंद करते हैं। तो उसके लिए गाइज आपने करना क्या होगा, यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेगा सर्विसेज। सर्विसेज ऐप होता है हमारे पीसी में, तो इसको ओपन करेगा आप, यस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर किसी भी एक को सेलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड से डब्लू प्रेस कर, तो आप डब्लू वाली सीरीज में आ जाएगा। यहाँ पर विंडोज अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, विंडोज अपडेट का। ठीक है, सिंपली आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्टार्टअप टाइप में देखो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, आप इस सिंपली इसको डिसेबल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हो तो सर्विस स्टेटस हमारा स्टॉप शो होना चाहिए। ओके करेगा, यहाँ देख सकते हो विंडोज अपडेट डिसेबल, तो ये परमानेंटली यहाँ से डिजेबल हो चुकी है। उसके बाद गाइज आपने ऐप स्टोर को ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर होता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन होते हैं हमारे पीसी पर इंस्टॉल, डिफॉल्ट एप्लीकेशन वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगते हैं जैसे कि हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। तो उसको डिजेबल करने के लिए यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और सेटिंग पर आएंगे। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर ऐप अपडेट्स को आप डिजेबल कर देंगे, परचेज साइन इन को भी डिजेबल, और यहाँ पर वीडियो ऑटो प्ले को भी डिजेबल कर देंगे। उसके बाद गाइज आपने सेटिंग में आना है अपने पीसी पर, और यहाँ पर हमको एप्स में आना है, और यहाँ पर ऑफलाइन मैप्स में आएगा एंड मैप अपडेट्स में आएगा। तो अपडेट ऑटोमेटिकली व्हेन प्लग इन एंड ऑन वाईफाई, वाईफाई जैसे ऑन होगा मैप अपडेट हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ से अनचेक करेंगे। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पर सेटिंग में आना है, एप्स में आना है, और यहाँ पर इंस्टॉल एप्स में आएगा। बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते रहते हैं तो उनको भी आप यहां से, जिन एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं करते पहले तो आप उनको अनइंस्टॉल करें, और यहां से राइट क्लिक करेंगे जिन भी एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं करते, एडवांस ऑप्शंस में आएंगे, और यहां पर जो इनका बैकग्राउंड एप्स परमिशन है आप इनको नेवर पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल्स एप्लीकेशन के लिए कर सकते हो। और इसके बाद जो गाइस डेटा कंज्यूम होता है हमारा वो होता है वन ड्राइव। वन ड्राइव जो होता है हमारा इनेबल होता है, आप वन ड्राइव को यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। उसको डिजेबल करने के लिए यहाँ पर आइकन होता है वन ड्राइव का, लेट मी शो यू। यहाँ पर जो आइकन होता है वन ड्राइव का होता है, यहाँ से आप इसको, अगर आप वन ड्राइव का यूज़ नहीं करते आप पहले तो आप वन ड्राइव को इंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप वन ड्राइव को यूज़ करते हो, यहाँ पर आप अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आ जाएगा एप्स में, और यहाँ पर वन ड्राइव जो है उसको यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर देगा अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो। यहाँ से आप इसको वन ड्राइव को अनइंस्टॉल कर सकते हो अगर आप इसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, क्योंकि गाइज ये क्लाउड बेस्ड होता है वन ड्राइव, और यहाँ पर हमको फ्री स्टोरेज मिलती है
जिससे कि हम अपने डेटा को बैकअप ले सकते हैं वन ड्राइव के थ्रू। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आप इसको टेम्परेरी डिसेबल करना चाहते हो तो आप स्टार्टअप ऐप से जाके इसको डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे मेन्यू पर और यहाँ पर टास्क मैनेजर में आएगा, यहाँ पर आप आएगा स्टार्टअप एप्स में आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हो टेम्परेरी वन ड्राइव को यहाँ से ये देख सकते हो, इसमें स्टेटस दिखा रहा है इनेबल और जो इसका इम्पैक्ट है स्टार्टअप का वो हाई है, तो इसको आप यहाँ से डिसेबल कर देगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते यहाँ पर स्टार्टअप एप्स में शो होते हैं तो आप उनको डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम है, आई डोंट यूज़ नॉर्मली, तो ये यहाँ सर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टू डू, ये भी इनेबल है तो मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। एंड गाइस नेक्स्ट जो सेटिंग्स आपने करनी होगी वो है, अगर आप डेटा लिमिट को सेट करना चाहते हो वो भी आप डेटा लिमिट को सेट कर सकते हो यहाँ पर आप। तो डेटा लिमिट को सेट करने के लिए सिंपली गाइस आपने सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपने नेटवर्क इंटरनेट में आना है, उसके बाद यहाँ पर एडवांस नेटवर्क सेटिंग में आएगा और डेटा यूसेज में आएगा, तो यहाँ पर ये सारा यूसेज दिखा देगा आपको लास्ट 30 डेज का, कितना आपने डेटा को यूज़ किया है और कौन से ब्राउज़र ने आपको जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र मेरा शो हो रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एज और सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में ये होता है कि आपकी जो विंडोज़ अपडेट है वो यहाँ पर शो होता है, अगर आपका सिस्टम यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेटा कंजप्शन दिखाता है तो जो आपका सिस्टम अपडेट हुआ है, विंडोज़ अपडेट हुई है, फीचर्स जो ऐड हुए हैं उसने सबसे ज़्यादा डेटा को कंज्यूम किया है। तो यहाँ पर हमारा क्रोम ब्राउज़र है क्योंकि मैंने यहाँ पर डाउनलोडिंग की थी, अप्रॉक्सीमेटली 30 GB यहाँ पर शो हो रहा है लास्ट 30 डेज का, आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर लिमिट सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर एंटर लिमिट पर क्लिक करेंगे, और मंथली सेट करना चाहते हो, वीकली, डेली, वन टाइम, अनलिमिटेड, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, वीकली कर सकते हो या डेली भी आप लिमिट यहाँ सेट कर सकते हो। कितनी लिमिट सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ MB और GB में डाल सकते हो, कि जितनी 2 GB अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, 2 GB से ज़्यादा यहाँ पर डेटा हमारा ऑटोमेट सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा लिमिट जो है वो सेट कर सकते हो अपनी विंडोज़ के लिए, और डेटा कंजप्शन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। एंड गाइज यहाँ पर गेमिंग में आएंगे आप, और गेमिंग मोड को आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे, गेम बार में आएंगे एंड गेम बार यहाँ से आप इसको डिसेबल कर देंगे। तो गाइज ये सेटिंग्स होती है कुछ जिसको आप अपने पीसी पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये सेटिंग्स अपने पीसी पर अप्लाई करते हो प्रॉपरली विंडोज 11 पर, आपकी जो हाई डेटा कंजप्शन प्रॉब्लम है विंडोज 11 पर वो 101% सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपके मन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको मिलता हो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय।